नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक की नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो स्टॉक बताऊंगा जिनमें आपको कल यानी फ्राइडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो में आप बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूँ जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में आपको बता दूं मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश के लेवल होते हैं, कुछ फ्यूचर का लेवल नहीं होता। तो अगर अपन को वॉच करते हैं तो आप कैश के चैट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूं, मेरी इसमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आप चाहें तो आप इसमें प्रीपेड ट्रेडिंग करके भी धीरे सीख सकते हैं और सीख ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो जो दो स्टॉक देते उनकी परफॉर्मेंस में कैसे देखने को मिली। दोस्तों मैंने जो पहला स्टॉक देता श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था कि एसआईटी नीचे ऊपर की तरफ जाएगा 890 के ऊपर, तो इसको हम बाई करेंगे। तो बाई कल तुम्हारे पूरे दिन में कहीं भी एक्टिवेट हुई नहीं। अगर बात करें सेल साइड मैंने आपको सेल दिया था 879 के नीचे, तो यहाँ पर स्टॉक ने 2 पॉइंट गैप डाउन ओपन किया, लेकिन स्टॉक इसमें हमारा टारगेट था 7 पॉइंट का। तो अगर आप इसमें आप देख सकते हैं इसने ओपन किया 877 पर, यहीं से स्टॉक गिरना शुरू हुआ और इसने बेहतरीन मूवमेंट दिखाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने लो लगाया 838 का, इसने हमारे दिए पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसने 40 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिखाया, एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। इसे हमारा जो तीसरा अंतिम टारगेट था 858 का, इसने हमारे तीनों टारगेट हिट किया, उससे भी स्टॉक 10 पॉइंट डाउन नीचे गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी मूवमेंट अच्छी लगी हो, अगर आपको स्टॉक का सिलेक्शन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं जो दूसरा स्टॉक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। बात करें अगर दूसरे स्टॉक में मुझे दूसरा स्टॉक दिया था मुथूट फाइनेंस का, देखिए मुथूट फाइनेंस मैंने आपको बताया था अगर 1176 ऊपर जाएगा तो इसको हम बाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसने पहले कैंडल में सिर्फ टिल लगाया, हाई भी इसने लगाया 1181 का, लेकिन स्टॉक बिल्कुल सस्टेन हुआ नहीं। तो यहाँ पर आपको एंट्री का मौका मिला नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें सेल साइड में आपको सेल दिया था 1160 के नीचे, तो यहाँ पर हमारी सेल कॉल जरूर से एक्टिवेट हुई, इसने लो भी लगाया 1154 का। उसके बाद स्टॉक यहाँ से अपट्रेंड में निकल गया और आपको इसमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि बाद में स्टॉक पूरे दिन फ्री रेंज में चलता रहा, आज भी इसने स्टॉक में रेंज ही बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक लॉस का सामना करना पड़ा होगा। तो फ्राइडे के लिए हमारे पास स्टॉक है एमबीएल का, देखिए एमबीएल स्टॉक एक रेंज में है, चैनल में स्टॉक जैसे अपने सीन से बाहर निकलता है स्टॉक अपसाइड में निकलता है, जिसको हम बाई करेंगे। 882 के ऊपर स्टॉक लॉस है हमारा 874 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 890, सेकंड टारगेट 898, अंतिम टारगेट रहेगा 906 का। अगर एमबीएल नीचे को निकलता है तो उसको हम सेल करेंगे 873 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 881 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 865, सेकंड टारगेट 857, अंतिम टारगेट रहेगा 849 का। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम आपको दो लिंक मिलेंगे, एक स्टॉक्स का दूसरा एंजल ब्रोकिंग का, दोनों में से किसी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जब मेरे दिए गए लिंक तो अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट में इंटरनेट कुछ कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे आप एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। बात करें हमारे दूसरे स्टॉक में, जो दूसरे स्टॉक है इन्फी का, देखिए इन्फी स्टॉक ने आज यहाँ पर एक अच्छी ओपनिंग देने के बाद स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ दूसरी कैंडल्स के बाद। स्टॉक ने आप देख सकते हैं 12 बजे के बाद स्टॉक एक रेंज में है, इसने छोटा सा ट्रायंगल ही बनाया, अगर इस ट्रायंगल से बाहर निकलता है स्टॉक अपसाइड में जाता तो उसको बाई करेंगे। 1122 के ऊपर स्टॉक, सेकंड हमारा 1115 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 1129, सेकंड टारगेट हमारा 1137 का, अंतिम टारगेट रहेगा 1143 का। अगर इन्फी नीचे को निकलता है तो सेल करेंगे 1114 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1121 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 1107, सेकंड टारगेट 1100, अंतिम टारगेट रहेगा 1093 का। तो दोस्तों ये दो स्टॉक आप मेरे देखो क्या आपको कैसे मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देखें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इंट्राडे वीडियो मिलती रहे, आप वीडियो मिस ना हो। मैं नेक्स्ट वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।